झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां कॉपी किताब की जगह स्कूल में मिला बारूद। तो झांसी से यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कॉपी किताब की जगह होनी चाहिए वहां बारूद मिला है। बारूद के धमाके से छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धमाके से छात्र के दोनों हाथों के चितड़े उड़े। तो सरकारी प्राइमरी विद्यालय में बारूद से भरा गोला रखा था और ये पटने से बड़ा हादसा हुआ है। तो बारूद से भरे गोले को घर ले गया था छात्र। जिला प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा छात्र ने भुगता। तोड़ी फतेहपुर के बड़वार गांव की पूरी घटना। तो झांसी से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर कॉपी किताब की जगह स्कूल में बारूद मिला, जिसे बच्चा अपने घर ले गया और इस धमाके से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। संवाददाता अमित गोयल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, स्कूल में जहां नैतिकता का पाठ होना चाहिए, कॉपी किताब होनी चाहिए, वहां बारूद मिला है, बच्चा गंभीर रूप से घायल। जी, मैं आपको बता दूं, ये गुरसराय के ब्लॉक का मामला है, गांव बड़गांव है, जहां पे 17 फरवरी का पूरा मामला है, जहां कक्षा 2 का एक छात्र है आशीष, ये अपने स्कूल गया हुआ था। स्कूल में उसको कुछ बारूद मिला जिसको ये अपने घर ले गया। यहाँ तक आप देखिए कि जो शादी समारोह जो स्कूलों में होते हैं उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबंध किया हुआ है, उसके बावजूद भी उस स्कूल में शादी समारोह हुआ था, प्राइमरी स्कूल में, जिसके बाद वहाँ शादी समारोह के बाद जो है जो बारूद वहाँ छोड़ दिया गया था, जिस बारूद को ये घर ले गया और उससे धमाका हुआ और उस बच्चे की जो दोनों हाथों की जो उंगलियां थी जो है पूरी जख्मी हो गई हैं, उंगलियां गायब हो गई हैं। इस मामले में जब वहाँ पे अधिकारियों से बात करी तो वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जांच करा रहे हैं, मामला हमारी जानकारी में नहीं है। जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।